हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सिर्फ तीन चीज़ों से बनने वाले बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट लड्डू। इसके लिए हमने 1 कप दूध ले लिया है। यह नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है। ये मैंने थोड़ा सा गर्म किया है। उसके बाद मैंने इसमें 1 कटोरी ये नारियल पाउडर डाला है। आप कच्चा नारियल भी डाल सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगे। उसके बाद ये मैंने 1 कटोरी ही इसमें मिल्क पाउडर डाल लिया है और अच्छे से मिक्स करते हुए कंटिन्यू पका लेंगे तब तक जब तक दूध में बॉयल ना आ जाए। उसके बाद हमें इसको मीडियम लो फ्लेम पे अच्छे से पकाते हुए गाढ़ा कर लेंगे और कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि नीचे चिपके ना, क्योंकि अगर चलाएंगे नहीं तो सारा नीचे चिपकना शुरू हो जाएगा। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो आप उसमें ज़रूर बनाएं और कंटिन्यू चलाएं, तो उसमें थोड़ा सा चिपकेगा नहीं, ये बार बार चलाने का थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये कंटिन्यू चलाते हुए मैं इसको थोड़ा गाढ़ा कर लूँगी और इसका सारा पानी ख़त्म कर दूँगी। उसके बाद मैंने इसमें मीठे के लिए आप चीनी भी डाल सकते हैं, मैंने गुड़ डाला है। गुड़ से भी टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। और ये मेल्ट होने तक कंटिन्यू चलाते रहेंगे। ये सारा गुड़ मेल्ट हो गया है देखो। उसके बाद हम इसके जो नमी थी इसमें वो बिल्कुल ख़त्म कर लेंगे, बिल्कुल ड्राई रोस्ट करेंगे अब इसको। ये देखो बिल्कुल अच्छे से ये पैन को भी छोड़ रहा है और ये बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। हम धीरे धीरे साइड से भी जो चिपका हुआ उसको उतार लेंगे, बिल्कुल सारा इकट्ठा कर लेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट बन चुके तैयार हो गया है। अब हम इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे, रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा करेंगे, हम फ्रिज में नहीं रखेंगे। और फिर ठंडा होने के बाद हम इसको अपने मनपसंद आकार के छोटे बड़े जैसे आपको अच्छे लगे लड्डू बना लेंगे। ये देखो बिल्कुल आसानी से लड्डू बन रहे हैं। एक एक करके सारे को हम लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और मीठे में भी ये बिल्कुल परफेक्ट है। आप चाहे इसको कब जब मन करे जब ट्राई कर सकते हैं। ये देखो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।